क्या बात है, कुछ कनेक्शंस का प्रॉब्लम है क्या? क्या हो रहा है नवेद? इफ यू कैन पुट ऑन योर माइक्रोफोन, आवाज़ क्लियर आ रही? यस मैं सॉरी हसन हुसैन, मैं तुमको आपको रिकॉर्डिंग अलाउ करना भूल गया। अभी मैं अलाउ कर रहा हूँ, यहाँ से आगे चलो रिकॉर्ड हो जाएगा। सॉरी मैं भूल गया। थोड़े से बच्चे ज्वाइन करने में लेट कर रहे हैं, तो ठीक है, बाकी बच्चे तो आ गए। आयान और हुमेरा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो आज तो उनको मैं वो कल से कल परसों से जब ये सॉफ्टवेयर को लिंक हो जाएगा ना, तो आप वो डालना पड़ेगा आपको। आप क्यों नहीं डाल रहे रोल नंबर, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी भी मैंने जब लॉग इन कराया था तो आपको मैंने क्वेश्चन मार्क भेजा था रोल नंबर के लिए, आपने तब भी नहीं चेंज किया। थोड़ा सीख लो प्लीज़, फटाफट फास्ट, आप एडमिट ही नहीं हो पाओगे तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ठीक है चलो, अभी क्या करना है आपने, कोई एक्सपेरिमेंट करना है? कागज़ का टुकड़ा लिया, थोड़ा सा हाथ में ले लो, एक कागज़ का टुकड़ा जल्दी से काटो। सर अभी डाला था, अभी वापस से। हाँ वो ओके सर, बार आपको बार बार डालना पड़ेगा, वो आपका आपने परमानेंट सेट नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा, या फिर स्टार्ट में ही जब आप करोगे तो उसको अच्छे से लिख, नहीं तो फिर मुश्किल है ना। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तभी ये नाम डालते, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है रजिस्ट्रेशन के वक्त। ये आपने ये ज्वाइन करते हो क्या, मीटिंग ज्वाइन करते वक्त आप डालोगे तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कागज लिया हाथ में, कागज ऐसा रैंडमली कट किया, अब उसको हाथ में पकड़ने का, रिफिल निकालो पेन की, पेन की रिफिल, या फिर कर अपना जो ये है ना राउंड राउंडर, नहीं क्या बोलेंगे उसको, राउंडर ही कर है ना, तो उसका एक कोई भी छोटा सा खड़ा, ये अपने को ऐसा चाहिए कि जो वो पेपर के कोई तार वगैरह जो पेपर के आर पार चली जाए ऐसे, है ना। कोई पेंसिल बोलो, पेंसिल नहीं, पेंसिल मोटी हो जाएगी, रिफिल छोटी सी बोलो या तार बोलो या कुछ भी, ऐसी ऐसी आर पार चली जाएगी, और पूरा अंदर नहीं करना है, वो प्लेन इसके ऊपर ही रखना है, मतलब जमीन के ऊपर, या आप जिस पे टेबल पे बैठे टेबल के ऊपर ही कागज रखना, तो पूरा आर पार नहीं करना है, सिर्फ ऐसा टच करना है उसको, या पेंसिल भी ऊपर से रख दी तो भी चलेगा। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे टेबल के ऊपर एक पेपर का टुकड़ा पड़ा है, और मैंने एक पेंसिल हाथ में पकड़ी है या पेन हाथ में पकड़ा है, और उसको खड़ा है सब बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पकड़ा है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है ये, दैट इज वॉट इज नाउ क्लियरली विजिबल, राइट? नाउ इसका करने के बाद फिर क्या, फिर मैंने वो पेपर के ऊपर तीन डॉट बना लिए, कहीं पे भी पेपर के ऊपर तीन डॉट बनाए, बराबर ए बी सी तीन, कोई भी एक नजदीक, एक मेरी पेंसिल के या फिर पेन के रिफिल के नजदीक, एक थोड़ा दूर, और एक एकदम बिल्कुल पेपर के एज में, तीन डॉट बना दिए ए बी सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखो वो तीन लाइन खींच लो, तीन लाइन खींच लो उसके, तीन लाइन अगर खींचेगे आप, तीनों लाइन अगर खींचेगे तो देखो तीन लाइन ज्वाइन कर रहे हैं आप, तीनों लाइन उसके ज्वाइन हो रहे हैं, बराबर तीन, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह से दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल लुक लाइक दिस ओनली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल लुक लाइक ये इस तरह से दिखाई देगा, देखो है ना, एक ही जगह पे आ रहा है वो, नीचे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट है इट्स बेसिकली प्लेन के ऊपर आ रहा है, और प्लेन के ऊपर जब आएगा, प्लेन के ऊपर जब आएगा तो फिर तो वो ऐसी है ना, सो यू हैव टू वेट फॉर, देखना पड़ेगा कि वो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। ओके फाइन, तो मुझे लगता है मैंने अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने समझाई। क्या बात समझाई? ये कि भाई ये जब रोटेशनल मोशन होता है तो ये जो फिगर है ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, और थ्री डायमेंशनल फिगर को पेपर के ऊपर समझना है। तो चैप्टर्स के यहाँ से आगे ये पॉइंट जो रोटेशनल मोशन का ये हिस्सा है, इसमें मैंने बोला इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त चाहिए, इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त चाहिए। क्या है इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त, क्या है उसमें एक्चुअली, टू डायमेंशनल फिगर्स सॉरी थ्री डायमेंशनल फिगर्स को अपने को किताब के ऊपर समझना है। तो एम वन एम टू क्या हो गया, दीज आर ऑल स्मॉल मासेस व्हिच टेकन एज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ऑन द पीस ऑफ पेपर, और जो भी टुकड़ा है ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका, एंड दिस आर वन आर टू आर थ्री आर दी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज फ्रॉम दिस, सो देयर फॉर फिगर 1.12 शोज अ रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, राइट? ये देखो प्लेन ऑफ पेपर। फॉर थियोरेटिकल सिंप्लीफिकेशन लेट अस कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू बी कंसिडरिंग एन पार्टिकल्स, छोटे छोटे कितने पार्टिकल्स है, रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर आर वन आर टू आर एन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑल दीज पार्टिकल्स परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कल। देखो सारे के सारे घूमेंगे नहीं,
अभी अगर कागज में घुमा रहा हूँ तो मुझे बोलो ये सारे घूमे, M1 भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा, M2 भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा, इधर ही घूमेंगे बराबर, सारे एक साथ घूमेंगे। और सारे की ये क्या रहेगी, सारे की रेडियस क्या रहेगी, सबकी अलग अलग रहेगी। देखो जो करीब है उसकी रेडियस कम रहेगी, जो दूर है उसकी रेडियस कम। तो मैं सर्कल बना ही देता हूँ, राइट, इसका सर्कल ऐसा बनेगा, देखो ये सर्कल में घूमेगा, ये सर्कल में घूमेगा, राइट, और ये वाला ये सर्कल पे घूमेगा, और ये सर्कल पूरे के पूरे पेपर के ऊपर है, पेपर के बाहर नहीं है, ये सर्कल में घूमता रहेगा। आप भी देखो वो पेपर अभी घुमाओ, देखो पेपर घुमाएंगे तो पार्टिकल कैसा, जो आपको मैंने बोला है वो पेपर अगर घुमाएंगे तो देखो पार्टिकल कैसा, बराबर सर्कुलर मोशन में ही घूमेगा। या फिर एक करा एक पॉइंट बना लो, ए पॉइंट बना लिया और उसको घुमा देखो, और तुम अगर वो पेंसिल को बराबर रखेंगे और उसको घुमाएंगे तो सर्कुलर मोशन में ही घूमेगा। सो दैट इज बेसिकली दे आर टेलिंग अबाउट इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो आएगा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसका वीडियो भी हम देखेंगे, पर लेट अस ट्राई समथिंग डिफरेंट, राइट, थोड़ा सा, क्योंकि पहले इसको खत्म करते हैं और फिर वो, अब ये आ गया तो वेलोसिटी क्या रहेगी हमको इसका मालूम है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन है। अभी कितनी सर्कुलर मोशन है, एक नहीं, अभी हमने पढ़े वो, अभी हमने देखे वो एक नहीं, हमने कितने देखे, बहुत सारे देखे, है ना। वी इज इक्वल टू R1 ओमेगा, यहाँ पे जो रोटेशनल सर्कुलर मोशन हो रही है एक नहीं है, हर एक पॉइंट जो है एन सर्कुलर मोशन रहेगी। M1 की अलग सर्कुलर मोशन, M2 की अलग सर्कल बनेगा, M3 का अलग बनेगा, Mn का अलग, एन सर्कुलर मोशन रहेगी। तो हर पार्टिकल की काइनेटिक वेलोसिटी अलग है, एंगुलर तो काइनेटिक सॉरी लीनियर वेलोसिटी अलग है, अगर लीनियर वेलोसिटी अलग है तो एंगुलर वेलोसिटी भी अलग रहेगी, है ना। तो फिर वी नो दैट द फॉर्मूला इज V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, V2 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ये जो पूरा कागज जो घूम रहा है वो तो कांस्टेंट है, और क्या हो रहा है, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी अलग से हो रही है हर एक पार्टिकल की। सो V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, इसको अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला, वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला फॉर ऑल पार्टिकल्स विल बी 1/2 m v1 m1 v1 square इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 की जगह पे मैंने v1 square की जगह पे R1 ओमेगा square डाल दिया, m1 r1 ओमेगा square डाल दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितनी आई, 1/2 m1 r1 ओमेगा square। सेकंड पार्टिकल की क्या आएगी, सेकंड पार्टिकल की क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1/2 m1 r2 ओमेगा स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल की Ke3 इज इक्वल टू 1/2 m1 r3 ओमेगा स्क्वायर। सो जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल की रेडियस, क्योंकि मास जो है वो चेंज हो गया, अब है ना मास है mr क्या आएगा, m और r दोनों का मिलके मास है, और ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो लीनियर वेलोसिटी से मुझे एंगुलर वेलोसिटी में अगर जाना है तो मास अकेला वो उसमें काम नहीं आता, मास प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको लेना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, और सिर्फ आर नहीं लेना है, उसका स्क्वायर लेना होता है जब हम काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट, ये कितना आएगा आप सबका अगर कर दिए समेशन तो क्या आएगा, सबका पूरा अगर सिमिलर विल बी सबका करेगा तो क्या आएगा, देखो 1/2 m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 1/2 mn rn ओमेगा स्क्वायर। सो द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें से हाफ कॉमन ले लिया और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखो हाफ इधर कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर बाद में कॉमन लिया, तो बचा क्या, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डैश 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 mn rn स्क्वायर, राइट। सो दैट इज व्हाट इज रिमेनिंग पार्ट। तो ये क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ये पूरा ब्रैकेट जो है ब्रैकेट की जगह पे आई सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ब्रैकेट की जगह पे आई सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो क्या आ गया, ब्रैकेट मतलब m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर वगैरह वगैरह, इसको क्या हो गया, तो फिर इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज, सो I इज इक्वल टू समेशन ऑफ MIRY स्क्वायर रिप्लेसेस M एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा रिप्लेसेस लीनियर, मैं जो बोला अभी V मतलब ओमेगा रिप्लेस हो गया, और मास को रिप्लेस करने के लिए MIRY स्क्वायर, तो I मास इज I, सो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी फॉर, देखो ये काइनेटिक एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेशन मोशन के लिए, और ये काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, एंड देन काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। सो ये अब आ गया अपना मेन पॉइंट, अब आ गया, दस I इज डिफाइंड एज टू बी द रोटेशनल इनर्शियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपना ये यहाँ पे आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या वो समझने के लिए इतना टाइम चला गया अपना, राइट, इट्स ओनली वन पॉइंट, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ सारे मास का, सारे पॉइंट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास
और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर ये मैं अगर कंबाइन करता हूँ, सम लेता हूँ सारों का, तो जो क्वांटिटी आती है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, राइट? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन टू पॉइंट, क्या दो पॉइंट पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टू पॉइंट, वन इज देखो, वन इज इंडिविजुअल मास एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ, तो दो चीजें, एक देखो, एक ट्रांसलेशन मोशन है जिसको हम लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, और एक रोटेशनल मोशन है। तो ट्रांसलेशन मोशन में मास तो मास ही रहता है, पर रोटेशनल मोशन में वो क्या हो जाता है, आई हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। और आई का मतलब क्या, एम आर, एम वन, आर वन, और इधर क्या है, वी है, और इधर ओमेगा है। सो द लीनियर वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी एंड मास इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली एनालॉगस टू मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास। मास का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन ले रहा है, वो ये चीज है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये क्लैरिटी, क्लियरेंस, क्लियर होना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो दैट इज रिक्वायर्ड। अभी हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा, कुछ एक दो वीडियोस है मेरे पास, वो वीडियोस हम देख के फिर इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ये समझ में आए, और थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। तो मुझे अभी लिंक याद नहीं है, मुझे सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। थोड़ा सा देखो, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आवाज मैंने म्यूट जानबूझ के करा था। क्या किया उसने, दो रॉड ले लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा रहे विथ मास, राइट? दो प्लास्टिक के एक पाइप ले लिए और उसको कुछ वेट लगाया, सेम चार वेट सेम ले ली, राइट? चार वेट सेम ले लिए, प्लास्टिक की बॉटल लेके उसको थोड़ा सा कुछ हेवी वेट डालकर उसमें थोड़ा सा मिट्टी वगैरह रेती वगैरह डाल के उसको, देखो ये रॉड ए जो है, रॉड ए जो है उसको, ये ए रॉड है और ये बी रॉड है ना, ये बी है। तो ए में क्या किया, दोनों जो मास है, ये एम वन है, दोनों मास जो है एम वन और ये एम टू, एम वन और एम टू, और ये भी क्या है, एम वन, ये उतना सेम है एम वन और एम टू, पर सिर्फ क्या कर दिया,
सो दे हैव टाइड इट दिस, ये थोड़ा सा दूर बांध दिया और ये करीब में बांधा। अब उसको बोल घुमाने के लिए, बोले तो छोटी बच्ची का क्या हो गया, देखो घुमाते वक्त क्या हो गया प्रॉब्लम क्या हो गया उस छोटी बच्ची का, ये दिस अगर वो जब घुमा रही थी, घुमाने के लिए बोला, देखो पहले वो अलग दिया और अभी बोलेगी तुम घुमाओ उसको सेंटर, अभी वो चेंज कर दिया और जो दूर है मास जो दूर टाइड है उसको घुमाने के लिए बोला। और वो देखो शी कैन नॉट इवन रोटेट इट, शी कैन नॉट इवन रोटेट इट, राइट, शी कैन नॉट इवन रोटेट इट। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये आर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ये आर डिस्टेंस कम है और ये आर डिस्टेंस ज्यादा है, इसके वजह से इसको फोर्स है ना ज्यादा फोर्स लग रहा है, बिकॉज वो ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये था वीडियो, पर ये वाला मुझे नहीं दिखाना है, कुछ और है मुझे जो दिखाना है आपको, ठीक है ना, तो लेट मी ये वाला है ना। देखो वो ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन समझा रहा है, देखो समझ में आ रहा है क्या, सी व्हाट व्हाट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेरी नाइसली, व्हाट इज ट्रांसलेशन मोशन एंड व्हाट इज रोटेशनल मोशन, राइट। तो ये बोल रहे कि हमको समझ भी नहीं आ रहा है क्या है ट्रांसलेशन, कैन यू एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल, राइट, ठीक है। सो इज आस्किंग, द स्टूडेंट इज आस्किंग कैन यू, तो व्हाट इज ट्रांसलेशन मोशन, सेंटर ऑफ मास मूव्स विद वन लोकेशन टू अदर, सेंटर ऑफ मास पूरा का पूरा मूव करता है, और रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहता है बाकी चीजें घूमती रहती है रोटेशनल मोशन में, ऐसा हो बोले। तो बोले कैसा दिखाओ, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस, नाउ दिस इज रोटेशनल मोशन। अब ये हर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ टायर टायर के ऊपर घूम रहा है देखो, और ये तो ट्रांसलेशन मोशन हुआ, पूरा के पूरा टायर का मास पूरा के पूरा आगे बढ़ गया, और ये रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशन, तीनों मोशन एक साथ दिखाया उसने, राइट। फोर्स इज एन एबिलिटी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर है, एफ इज इक्वल टू एम ए मैंने जो बताया था आपको, तो ये हो गया ये बात वो जो बता रही थी। और दूसरा जो है दिस इज बेसिकली रोटेशनल मोशन, ये कॉन्स्टेंट रहना है, और ये दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो एक्सेल है ये बीच वाला, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, ये कहाँ रहेगा, अभी लैपटॉप के अंदर ऐसा घुसेगा, बराबर, उसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन ये रहेगी, इट्स वो आदमी है और ये ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। सो दैट डिस्टेंस, और ये जो स्पोक्स है ये आर आर डिफाइन करेगी, और ये यहाँ पे अगर डिस्टेंस में लेता हूँ तो आर सेम है, बीच में लेता हूँ तो आर कम है, और ब्लैक टायर के ऊपर लेता हूँ तो आर ज्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर रहेगा देखो, है ना, प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा। सो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई वो क्या है, और इसके बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह है। अब ये वाला एक था, एक मिनट, ये जो मैं बात कर रहा था, और दिस इज दी ये मैथमेटिकल इक्वेशन ज्यादा, ये अब दरवाजे की जो बात मैं कर रहा था देखो, है ना, राइट। नाउ इफ आई वांट टू ओपन द डोर व्हाट यू विल डू, है ना, एक पोजीशन, दूसरा पोजीशन ये यहाँ पे एक्सिस इसके पास लगा रहे हैं कहाँ पे, बिल्कुल दिस इज आर, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, ये राइट साइड का पूरा जो है वो एक्सिस ऑफ, जहाँ पे हिंजेस रहेंगे, राइट। तो अगर दूर से अगर करेगा तो आसानी से खुलेगा, दूर से अगर करेगा तो आसानी से खुलेगा, और नजदीक से करेगा तो नहीं खुलेगा, कितना भी ताकत लगा दो आप, ये देखो, राइट। सो दैट इज व्हाट इज दी, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यही जो चीज थी मैंने जो बताया वही फिगर जो थी, ये अगर पहले बता देते तो आसानी से समझ में भी आ जाता, पर मैंने जानबूझ के नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि थोड़ा बहुत इमेजिनेशन पावर, थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ें हमको सीखने की आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें सीखने की आदत डालनी पड़ेगी, राइट। सो दैट इज व्हाट इज दी फाइन। और एक चीज़ थी जो आखिरी मुझे दिखाना है, वो मुझे वीडियो दिख नहीं रहा, वेट,
स्विंग टॉर्क ओनली, मुझे टॉर्क नहीं चाहिए, मैं ढूंढ के रखता हूँ चलो जाने दो। उसमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा नहीं, दिस इज नॉट, कुछ अलग था वो। चलो जाने दो, देखते हैं, लेट्स गो बैक टू आवर अपना ये। सो दिस इज, हमने क्या देखा, हमने क्या क्या पॉइंट देखे, हमने ये देखा कि व्हाट व्हाट इज बेसिकली, हमने देखा कि फोर्स जो है रोटेशनल मोशन में कहाँ पे कैसा लगाना है। डोर का एग्जांपल लेके तो उसमें दो चीजें, मास, पॉइंट मास एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या, वो भी हमने देखा। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या, वो भी देखा, राइट। तो ये सारी ये पॉइंट हमने देखे। पॉइंट ज्यादा नहीं हुआ पर कंसेप्ट बहुत बड़े थे। और फिर हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन के लिए क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशन मोशन इज वन ऑफ m1 v1 स्क्वायर, और फॉर रोटेशनल मोशन इज वन ऑफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। और फिर इसका समेशन करके आई इज वॉट, ये हमको याद रखना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ MIRI ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे ये लिखने का रह गया है, ये लिखना पड़ेगा, वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम, ये नीचे लिखना पड़ेगा, और आई इज फ्रॉम 1 to N, ये लिखने का यहाँ पे रह गया, राइट। सो दैट इज आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ MIRI स्क्वायर, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to N। सो दैट इज वॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर उसका नाम है रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका सिम्बॉल है आई। बस यहाँ तक, अभी इसका जो पार्ट लिखना है हम कल लिखेंगे, राइट। अपना लेक्चर जो क्लास जो होगा, आज मैं थोड़ा जल्दी इसलिए खत्म कर रहा हूँ, 10:30 बजे एग्जैक्टली कल से खत्म होगा। आज जल्दी इसलिए खत्म कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा टाइमिंग का मसला हो गया, किसी दूसरे क्लास को मैंने थोड़ा शायद जल्दी बोल दिया गया, पता नहीं, दूसरे बच्चे बहुत सारे वेटिंग में दिख रहे हैं, उनको मुझे बताना पड़ेगा, राइट। तो फिर थोड़ा सा आप ये थोड़ा पढ़ लो आज इसको। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 11th का चैप्टर जो है, मैंने 4th चैप्टर जो बताया उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लो, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊँ। मुझे लगता है ये पूरा पेपर मैंने, आपने जो एक्सपेरिमेंट किए, रोटेशनल मोशन मतलब क्या, वो कैसा घूमता है, सिंगल प्लेन में घूमता है, सर्कल कैसा बनता है, सर्कुलर मोशन कैसी बनती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था, आप आगे का बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर ये आज मैंने जो समझाया वो अगर आपके समझ में आ गया, ठीक है। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया है ना। अब कुछ सवाल थे, कुछ रेज हैंड्स हो रहे थे, अब आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने हैंड रेज किए तो भी मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे वो पॉइंट खत्म करना था। सो दैट पॉइंट आई हैव फिनिश्ड। अभी आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दिस 10-5 मिनट्स आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स। इफ यू हैव योर क्वेश्चन आंसर्स यू कैन आस्क मी, राइट। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके फाइन। अभी ये जो रोटेशनल मोशन है, मैंने सिर्फ दो ये बताया, सिर्फ एक रैंडम फिगर कैसा लेने का, और वो रैंडम फिगर में मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा मेजर करने का, सर्कुलर बराबर हर पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कैसा मूव करता है वगैरह, ये दो चार पॉइंट्स मैंने आपको सिर्फ दिखाए। तो वो समझ में आए क्या? यस नो बोलो, रेज हैंड करो अगर समझ में आए हैं तो, अगर नहीं समझ में आए तो देन वी रिपीट टुमारो। जिसके भी समझ में आए हैं तो आप हैंड रेज करके मुझे बोल सकते हैं कि ये जो मैंने आज जो अभी सिर्फ ज्यादा नहीं बताया, रोटेशनल मोशन मतलब क्या, पॉइंट मास मतलब क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब क्या, ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई, ये छोटी छोटी बातें आपके समझ में अगर आ गई है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करके आप बोल सकते हैं, राइट। नाउ आई विल आस्क फॉर दी अटेंडेंस। तो अटेंडेंस में मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो जैद इसमें नहीं है, अनस नहीं है, उसके बाद में रिजा इज ऑल्सो नॉट देयर आई थिंक। है ना? ओके, देन दोनों ये अक्सा, अक्सा शेख एंड अक्सा पटेल, दोनों भी नहीं है, तो शायद रोजा लग गया उनको, तो वी हैव टू इन्फॉर्म देम, आई थिंक दे हैव नॉट गॉट द इन्फॉर्मेशन, सो लेट अस चेक, राइट। वी विल सी इट हाउ टू इन्फॉर्म देम, हम कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे और एक चाहिए आप, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे ऐसा करेंगे, मुझे आपके सबके मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा
कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। तो 1 मिनट अभी है अपने पास, 2 4 मिनट, तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना अपना ऑडियो ऑन करके आप मुझे प्लीज, या फिर चैट से आप अगर मोबाइल नंबर बोलोगे तो मुझे मोबाइल नंबर को उसको कनेक्ट करना है। राइट, ओके नवेद, इफ यू आर देयर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, नवेद अपना मोबाइल नंबर बताइए प्लीज, चैट से भी बता सकते हैं या फिर ऑडियो से भी बता सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी प्लीज, आपके पास टाइम नहीं है प्लीज। नवेद आर यू देयर? यस ओके फाइन, चैट से भी लिख लो फटाफट तो भी चलेगा मुझे, आप सब भी अगर मुझे इंडिविजुअल चैट से, अगर इंडिविजुअल मुझे भेजना है, ग्रुप को नहीं भेजना है। ओके फाइन, नेक्स्ट मतीन, दिस इज आयान, आयान इज रोल नंबर 15, राइट? आयान शेख इज रोल नंबर 15, उसके बाद अरबिया, नहीं उसके बाद मतीन, सी मतीन, राइट, उसके बाद आरबीआर 16, तस्लीम, अनस खान, उसके बाद तस्लीम हो गया, रिफा शेख, तो रिफा शेख ने अपना नाम ही लिख दिया, मोबाइल नंबर चाहिए बेटा, उसके बाद में हसन हुसैन का ये तो सी। नवेद हो गया, आयन हो गया, मतीन हो गया, आरबी हो गया, हुमेरा, मुझे दिक्कत ये आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे इंडिविजुअल। हुसैन हो गया, नाजिया, नाजिया तस्लीम, जोर, दिस इज अनस खान, जोर, ओके बस इतनी है। सना का, सना यू डोंट हैव दिस, सना मोबाइल नंबर नहीं है सना, फाइन, मतीन सही है, अक्षा पटेल आज नहीं है, ठीक है, जैद नहीं है, सालिया, सालिया भी नहीं है क्या, ठीक है,
अक्षा पटेल का नंबर नहीं है, जैद का नहीं है, सोनिया, सोनिया तो थी, कहाँ है देखो, अरे अपना नंबर दो मुझे, काला सैयद भी नहीं है, रिजा मुल्ला भी नहीं है, अक्षा जुबिया नहीं है, बहुत सारे अभी निकल गए, बहुत सारे, अपने अपने नंबर चेक कर लो। सना, सना तो थी ना, सना, अच्छा शी ऑल्सो लेफ्ट आई थिंक, रोजा लग गया शायद सब। चलो ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, कल ये हम देखेंगे, और कल आप थोड़ा सा रोल नंबर से आप लॉग इन करें, इंशाल्लाह देखते हैं कल से क्या होगा। 9:30 से क्लास होगी, 9:30, 9:30 से 10:30, 9:30 से 10:30 क्लास होगी, जस्ट रिमेम्बर 9:30 से 10:30 क्लास होगी। फाइन, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।